विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। द बुद्धायनी जम्मा के 61वें एपिसोड में एपिसोड 61 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धायनी जम्मा के बुक 3 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 3 का टाइटल है व्हाट द बुद्धा टॉट, बुद्धा की शिक्षाएं क्या है। इस बुक 3 के आखिरी पार्ट का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, पार्ट 5, व्हाट इज सद्धम्म, सद्धम्म क्या है। और ये पार्ट 5 4 सेक्शंस में बटा हुआ है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज से हम सेक्शन 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं। सेक्शन 3 का टाइटल है धम्म, टू बी सद्धम्म मस्ट प्रमोट मैत्री। धम्म को अगर सद्धम्म होना है तो उसे मैत्री को बढ़ावा देना जरूरी है। और इस सेक्शन के पहले चैप्टर की आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर का टाइटल है, नाम है, धम्म इज सद्धम्म व्हेन इट टीचेस दैट मेयर प्रज्ञा इज नॉट इनफ, इट मस्ट एकम्पनाइड बाय शील। धम्म तभी सद्धम्म है जब वो ये शिक्षा दे कि केवल प्रज्ञा काफी नहीं है। प्रज्ञा, आप सभी लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं, प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब है नॉलेज, और सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ ज्ञान का होना नहीं, अंतर्दृष्टि का होना, बुद्धिमत्ता का होना, नॉलेज का होना। प्रज्ञा का मतलब, प्रज्ञा का मतलब कि इंसान को अंतर्दृष्टि उसमें होनी चाहिए। लेकिन यह सेक्शन कहता है कि केवल प्रज्ञा काफी नहीं है, उसके साथ शील का होना बहुत जरूरी है। यही है सेक्शन 3 का पहला चैप्टर कि धम्म इज सद्धम्म व्हेन इट टीचेस दैट मेयर प्रज्ञा इज नॉट इनफ, इट मस्ट एकम्पनाइड बाय शील। धम्म तभी सद्धम्म है जब वो ये शिक्षा दे कि केवल प्रज्ञा काफी नहीं है, उसके साथ शील का होना महत्वपूर्ण है, जरूरी है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इस चैप्टर में लिखते हैं प्रज्ञा जरूरी है, प्रज्ञा जरूरी है, लेकिन प्रज्ञा से भी ज्यादा जरूरी शील है। बिना शील के प्रज्ञा खतरनाक है। अकेली प्रज्ञा ये खतरनाक है। प्रज्ञा ये किसी व्यक्ति के हाथ की तलवार के समान है। अगर ये तलवार, ये प्रज्ञा रूपी तलवार किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जिसमें शील है, जो शीलवान है, अगर ये प्रज्ञा रूपी तलवार ऐसे शीलवान व्यक्ति के हाथ में है तो वो लोगों की जान बचाने के लिए इस प्रज्ञा का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर यह प्रज्ञा रूपी तलवार किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसमें शील नहीं है, जो शीलवान नहीं है, तो वो लोगों की जान लेने के लिए इस प्रज्ञा का इस्तेमाल करेगा, इस नॉलेज का, इस ज्ञान का इस्तेमाल लोगों की जान लेने के लिए करेगा। और इसलिए शील यह प्रज्ञा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रज्ञा ये विचार धर्म है। प्रज्ञा ये विचारों को संयत रखने के लिए, अच्छे विचारों को निर्माण करने के लिए सहायता करता है। लेकिन शील ये आचार धर्म है, ये अच्छे आचरण करने का ज्ञान देता है, अच्छे आचरण करने के लिए सिखाता है। तथागत बुद्ध ने 5 मूलभूत तत्वों को शील के बारे में, 5 मूलभूत तत्वों के बारे में तथागत बुद्ध ने बताया है। पहला तत्व, शील का पहला तत्व जीव हिंसा से संबंधित है। दूसरा शील का तत्व ये चोरी से संबंधित है। तीसरा तत्व ये काम भोग यौन अनैतिकता से संबंधित है।
चौथा तत्व ये झूठ बोलने से संबंधित है, और पांचवा तत्व ये नशीली पदार्थों के सेवन से संबंधित है। तथागत बुद्ध ने हर शील के बारे में लोगों को निर्देश दिए हुए हैं। तथागत बुद्ध ने कहा कि कभी जीव हिंसा मत करो, कभी झूठ मत बोलो, कभी चोरी मत करो, कभी भी काम भोग संबंधी मिथ्या आचरण मत करो, अनैतिक व्यवहार काम भोग संबंधी मत करो, कभी नशीली चीजों का सेवन मत करो। इस तरह से तथागत बुद्ध ने हर एक शील पर लोगों को निर्देश दिया हुआ है। तथागत बुद्ध ने प्रज्ञा से भी अधिक महत्व ये शील को दिया था, और ये उनके वाणी से स्पष्ट है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान का इस्तेमाल, ज्ञान का होना या ज्ञान के इस्तेमाल से का होना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तथागत बुद्ध का कहना है कि ज्ञान का इस्तेमाल ये किसी व्यक्ति के शील पर निर्भर करता है। नॉलेज, ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है, ये किसी इंसान की शील पर वो निर्भर करता है। शील से अलग या शील से जुदा ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। दुनिया में शील से किसी चीज की तुलना नहीं हो सकती। शील ही शुरुआत है, शील ही आरंभ है, शील ही शरण स्थान है, शील ही सभी अच्छाइयों की जननी है, और शील ही सभी अच्छी स्थितियों का अग्रगण्य स्थान है। और इसलिए अपने शील को, हर व्यक्ति को अपने शील को शुद्ध करना चाहिए। और यही है सेक्शन 3 का फर्स्ट चैप्टर, कि केवल प्रज्ञा का होना काफी नहीं है, प्रज्ञा के साथ शील भी, शील का होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।